शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको हमको मिटाना है। तो चलिए मैं आपको, मैं पहले पेन खोल कर मैं दिखा देता हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये पेन ही नहीं है, कट पेंसिल है शायद। तो चलिए मैं आपको खोल कर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पेन ही है। ठीक है, चलिए मैं इसको खोला और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, लीड है और ये पेन ही है। चलिए मैं इसको मैं लगा देता हूँ। एक तो और पेन है दोस्तों, लाल पेन वगैरह, मतलब कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इंक है आपके पास, तो इंक भी अगर यहाँ गिर जाता है तो उसको भी आप साफ कर पाएंगे। लिंग लेसर दोस्तों, एक तो और लाल पेन है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ दो ही पेन है मेरे पास अभी फिलहाल, वो पेन अभी गिर गया है, फिर मैं उसको लाऊंगा। चलिए दोस्तों ये है लाल पेन है। ठीक है, अब इससे मैं आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आपको लिख के और कैसे आपको मिटाना है, वो पूरा मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना एक भाई, और शेयर भी आप जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस इधर जो है पूरा व्हाइट है, मैं इसे यहाँ मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ लिख के वगैरह। आप देख सकते हैं पूरा पूरा मैं जो, मतलब जिस तरह बच्चे लोग लिख देते हैं कहीं, उन लोग जो है बेंच पर भी इस तरह के पूरा चीस देते हैं और उसको मिटाना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप उसको मिटा पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, मैं वो पेन में थोड़ा मैं ला रहा हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा पीच कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं ये पेन ले ले आया हूँ। चलिए मैं इसको भी, मैं भी पूरा मतलब लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको मिटा के मैं आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह से इसको मिटाएंगे। चलिए मैं इसको पूरा मैं यहाँ लिख दिया, यानी कहीं भी आप लिखा हुआ इसको, इससे आप मिटा सकते हैं दोस्तों। और मिटाने वाला क्या है, मतलब किसे हम मिटाएंगे, वो भी मैं आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं इसको मैं पूरा चीज दिया। और ये दोस्तों, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है, इसमें भी अगर आपका कहीं लिखा हुआ है तब इसको भी मिटा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ कुछ, मैं यहाँ तो ये तो दिख आपको नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ मैं चिसने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं लाल से भी मैं थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पूरा चीज दिया है, इसको हमको मिटाना है। ठीक है, अब मिटाएंगे किससे दोस्तों, वो मैं आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है एक परफ्यूम है दोस्तों, जिसे हम आपको मिटाएंगे। आप देख सकते हैं मैलिबू प्ले बॉय दोस्तों, इसे हम आपको मिटा के मैं आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिटाता हूं दोस्तों। आपको वीडियो लास्ट तक वो देखना है दोस्तों। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक आप जरूर करें दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप देख सकते हैं पेन से लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इससे मैं परफ्यूम में जो है वो हम इसमें मारते हैं। ठीक है, मैं आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको डब्बा वाला मैं दिखा देता हूँ, जो डब्बा पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ है। तो इसको हम यहाँ स्प्रे मारते हैं। ठीक है, चलिए मैं मारता हूँ। अब देखिए दोस्तों किस तरह से ये जो है ऑटोमेटिक जो है ये मतलब मिट जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा। चलिए मैं इसको थोड़ा घिस देता हूँ, देखिए दोस्तों पूरा ये मिट गया है। ठीक है, मतलब कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना दोस्तों, उसको आप मिटा सकते हैं इस परफ्यूम से। कहीं भी अगर आपका बेंच में भी अगर कहीं लगा हुआ है, इंक लगा हुआ है, तो उसको भी आप इसको तुरंत उसको इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं आप। चलिए मैं लिखा हुआ मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा मैं मिटाया हूँ पहले, मैं देख रहा था कि मिटता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, चलिए मैं कहीं भी लगा मैं मारता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ है। चलिए दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, ये जादू नहीं है। देखिए दोस्तों किस तरह से ये धुल रहा है पानी की तरह। ठीक है, तो वो एक पड़ा से हम इसको पोंछ देते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए पूरा ये साफ हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये पूरा क्लीन हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं हम पूरा हम साफ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम साफ करने वाले नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा सेंट बचा हुआ नहीं, थोड़ा ही है जिसको मैं रखने वाला हूं दोस्तों। अरे कहीं आपका बेंच में भी लिखा हुआ दोस्तों, अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पेन से चला के। चलिए यहाँ मैं लिख के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको भी आप दोस्तों पूरा साफ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बेंच पर पढ़ते हैं, वो कॉपी में लिखने के बजाय वो बेंच पर लिख डालते हैं, उसको भी आप बहुत आसानी से यहाँ मिटा सकते हैं। ठीक है, आपको तो मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये भी देखिए, अब ये भी मिट गया। कहाँ है कपड़ा, यहाँ है दोस्तों, आप देखिए ये भी मिट गया दोस्तों। यानी कहीं भी आपका लिखा हुआ है तो इस परफ्यूम से आप उसको मिटा सकते हैं दोस्तों। इस परफ्यूम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसका प्राइस आप जाकर देख सकते हैं, और आप खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
एक बार और मैं आपको मैं डेमो में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है एक वीवो का जो कवर है, मैं इसमें मैं लिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, लास्ट चांस है, आप देख लीजिए, कोई फेक वीडियो नहीं है भाई। चलिए मैं लाल में भी दिखा देता हूँ। चलिए मैंने दिखा दिया, अभी इस परफ्यूम से मैं आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी परफ्यूम रहा उसको ट्रैक कर सकते हैं, अगर मिट जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए यहाँ आप दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों किस तरह से जो है, आप देख सकते हैं पूरा रंग जो है, देखिए दोस्तों पूरा मिट गया है, पूरा क्लीन हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत अजूबा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करा बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो का कमेंट में आप जरूर बताएं हमको। और अगर आपको एक सेंट खरीदना हो दोस्तों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। ये अक्सर दोस्तों टॉयलेट रूम में ये यूज होता है, आप देख सकते हैं इसका जो मेलिगो प्लग हुआ है, ये टॉयलेट रूम में यूज होता है। इसको अगर टॉयलेट जहाँ आप करते हैं उसको अगर साफ करेंगे तो बहुत जल्दी इससे क्लीन हो जाता है दोस्तों। इसे आप पेन से लिखा हुआ भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।